बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सॉसी चिकन बना रही हूँ। देखिए मैं तो 1.5 किलो चिकन है, चिकन को अच्छा धो के रख ली थी। देखिए छन्नी में डाल के नमक और सिरका डाल के धोई। इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन डाली, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची, नमक तो अपने हिसाब से डाल लेना। देखिए 1.5 किलो चिकन में मैं 1/2 किलो दही डाली। देखिए इसमें टमाटे सॉस डाल रही हूँ। देखिए अच्छा टमाटे सॉस अच्छा एक बड़े चमचे से 1 चम्मच के हिसाब से डाल रही हूँ। देखिए सोया सॉस चाय के चमचे से 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। हूँ रेड चिल्ली सॉस है ये भी 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। देखिए रेड सॉस और बोले तो टमाटे सॉस का चिकन बहुत मज़े का होता। दो इंच सॉस हम डालना। देखिए इसमें सोया सॉस में खाली 1 चाय का चम्मच डाली, 1 चम्मच गरम मसाला डाली। देखिए तो इसमें फिर रेड कलर डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा, तो डाल के पूरे ये चीज़ें डाल के मिला लेना। देखिए तो ये इतना मज़े का चिकन रहता, बहुत मज़े का रहता। देखिए आप जब का जब भी बना ले सकते हैं, 1/2 घंटा पूरा मिला के भी रख सकते। देखिए तो मैं जब का जब बना रही हूँ। देखिए ये इसमें मैं अदपो के हिसाब से 4 चम्मच तेल डाल रही हूँ। देखिए तेल अच्छा डालना है इसके अंदर, अच्छा डाले तो बहुत तेल छुटा तो बहुत मज़े का रहता। तो 5 मैं हरी मिर्ची को कट कर ली, 5 हरी मिर्ची को कट कर लेके इसको अच्छा लाल तली। देखिए तेज़ चूल्हे पे बना रही हूँ। देखिए मैं इसको चूल्हा कम पे नहीं रखी, तो अच्छा लाल तल लेके मैं हरी मिर्ची को, तो मैं इसमें चिकन डाल दे रही हूँ। देखिए तो इसमें पानी बहुत छोड़ता। देखिए दही का पानी चिकन का पानी छोड़ता ना, तो इसमें अपन को चिकन इसमें गलने का भी डर रहता। तो अपन पानी अगर अपने को तेज़ पेच अच्छा तेज़ पेच इसको पूरा पानी सुखाना, अच्छा कम नहीं करना। अगर कम करे तो पानी ज़्यादा छोड़ता, चिकन गल जाता अपने को ये सॉस के चिकन में। तो मैं इसको अच्छा मिला लेके तेज़ पेच बना रही हूँ। देखिए तो मैं 5 मिनट के वास्ते ढक्कन ढाँप दी, 5 मिनट का ढक्कन ढाँप के थोड़ा पानी सुखा। देखिए तो इसको पूरा अच्छा उसको आधा गल गया चिकन हो, तो मैं चूल्हा कम पे करी छे इसको आखिरी में मैं कम पे करती हूँ इसको। तो पूरा ये देखिए पूरा अच्छा मिला ली। देखिए 10 मिनट हो गए। देखिए 10 मिनट तक पूरा मैं इसका चिकन का भी पानी सूख गया और बोले तो दही का भी पानी सूख गया। देखिए तो चिकन भी गल गया देखिए पूरा। तो अभी 10 मिनट हो गए। देखिए 10 मिनट के बाद मैं क्या कर रही हूँ, पूरा इसको अच्छा भगोने को पूरा जर्रा पानी डाल के पूरा साफ़ कर लेती हूँ। देखिए मैं साफ़ कर लेके इसमें 1.5 कट्टा कोथमीर डाल रही हूँ और 1 कट्टा पुदीना डाल रही हूँ मैं। कोथमीर का मज़ा बहुत अच्छा आता है इसमें, कोथमीर पुदीने का। तो 1.5 कट्टा कोथमीर, 1 कट्टा पुदीना डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। हूँ तो इसमें पूरा होगा। देखिए तो चिकन गल गया अभी। देखिए इसको पूरा मैं कम पे रखी। देखिए इसको 5 मिनट कम पे रखे तो पूरा तेल आ गया। देखिए तो कम पे अच्छा रखना इसको, 1-2 मिनट 3 मिनट ऐसा रखे ना तो अच्छा उसको तेल पूरा आता। तो मैं 5 मिनट रखी। देखिए चिकन भी गल गया, कोथमीर का और बोले तो पुदीने का पूरा इसको मसाला पूरा अच्छा लग जाता है। देखिए पूरा ये देखिए ये हिसाब का होगा। देखिए चिकन पूरा, अगर आप लोगों को ज़्यादा मसाला अगर होने का है तो 1.5 किलो चिकन में अच्छा 1 किलो दही भी डालना। देखिए दही डाले तो बहुत मज़े का होता होगा। देखिए लाइक और शेयर करिए फराना कुकिंग को।